नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, जोशीमठ से आ रही है। सेलंग गांव के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कभी भी हो सकता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। आगे की रिपोर्ट देखिए नवीन सिंह के साथ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के समीप एक गाँव है जिसका नाम सेलंग है। इसी के पास से बद्रीनाथ रेलवे हाईवे होकर गुजरता है। आपको बता दें, हाईवे का एक हिस्सा कभी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। पिछले दिनों भारी बरसात के कारण इसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के समीप गांव के रहने वाले उदय का लाखों करोड़ों की लागत से बना हुआ गेस्ट हाउस भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरह से जमींदोज हो गया। बता दें कि अब इस जगह पर गेस्ट हाउस का नामो निशान मिट चुका है। अब इस जगह पर जबरदस्त भूस्खलन हो चुका है, जिस कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह बड़ी बड़ी दरार दिखाई देती हैं, जो सड़क का एक हिस्सा कभी भी भारी बरसात में क्षतिग्रस्त हो सकता है। गौरतलब है कि जिस जगह पर भूस्खलन हुआ है, ठीक उसी के नीचे NTPC का टनल भी मौजूद है, जो टनल का बाहर का हिस्सा भारी भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर भूस्खलन होने से पास के रहने वाले परिवारों को इस वक्त खतरा बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इस जगह पर अगर ज्यादा भूस्खलन होता है तो पूरा गांव इस भूस्खलन की चपेट में पहुंच सकता है। देखिए नवीन सिंह के साथ रिपोर्ट। आराम से गिरना मत। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी दो मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइव दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525, 9412265608।